ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी, प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे सेनापति मंगल राशि परिवर्तन के बारे में। और यह जो मंगल का राशि परिवर्तन होगा, अब तक यह अपने सिंह राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 6 सितंबर को सुबह प्रातः 3:58 पर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो मेष राशि और वृषभ राशि वाले जातकों के ऊपर मंगल राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव होगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। देखिए, मंगल एक क्रूर ग्रह हैं, अग्नि तत्व हैं और साथ में दक्षिण दिशा के स्वामी हैं। और मंगल का जो संबंध है वह सीधा युद्ध, लड़ाई झगड़ा, पराक्रम, साहस, तो आपके छोटे भाई और अस्त्र शस्त्र, कमांड करना, शासन करना, पुलिस, फौज, मिलिट्री, ऊंचे पदों पर आसीन होना और वहाँ बैठकर कमांड करना। और अग्नि तो तत्व है, पुत्र का भी कारक है, भूमि का भी कारक है, तो मंगल का इन सब क्षेत्रों से तो विचार होता है। शुभ स्थिति होने पर जातक के अंदर बहुत साहस और पराक्रम होता है, अपने साहस पराक्रम के बल पर बहुत तरक्की उन्नति करता है। और मंगल वीक होने पर कि थोड़ा साहस और पराक्रम में कमी आ जाती है और इन सभी क्षेत्रों में जातक को कठिनाई और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बात करते हैं कि देखिए मित्रों, यह जो फलादेश है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने परिचित नाम से इसको देख सकते हैं। और मेरी आपसे विनती, अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम जय श्री हनुमान। बात करते हैं पहले मेष राशि वाले जातकों के ऊपर। यह जो मंगल का ट्रांजिट है, यह आपका 6th हाउस में हो रहा है और 3, 6, 11 में कोई भी तो जो क्रूर ग्रह शनि, मंगल, तो आपके राहु, केतु, सूर्य, यह सब आपको शुभ फल देते हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर 6th हाउस में आएंगे, यहाँ पर आपका यहाँ की आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी स्मार्ट हो जाएगी, आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो जाएगी, आपकी कार्य करने की अक्षमता, आपकी व्हील पावर यहाँ पर स्ट्रांग हो जाएगी और यहाँ पर आपके अंदर पराक्रम, साहस तो आपको अपने आप में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप धैर्य रखते हुए, संयम रखते हुए अगर आपको निर्णय लेते हैं तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। और यहाँ पर आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि ये आपके 1st हाउस के लॉर्ड हैं। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि उग्र हैं, थोड़े क्रूर हैं, थोड़े अग्नि तत्व हैं, तो थोड़ा उत्तेजना व थोड़ा गुस्सा, ये थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई रहना, तो ये सब चीज़ें थोड़ी क्रिएट हो सकती हैं, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। 6th हाउस में चले गए, 6th हाउस आपका बीमारी का है, शत्रु का है, वहाँ पर शत्रुओं का दमन करेंगे, आपकी बीमारी का दमन करेंगे और ऋण और रोग, जो आपके ऊपर कर्जे की स्थिति है तो उससे भी आपको बचाएंगे। नई नौकरी लगने की आपको संभावना रहेगी, वह नौकरी में तरक्की उन्नति आप करेंगे। और मंगल का जो दृष्टि संबंध होता है, यह जहाँ बैठते हैं वहाँ से 4th भाव को, 7th भाव को और 8th भाव को देखते हैं। तो यहाँ से जो इनकी चौथी दृष्टि जो आपकी पड़ेगी, तो इनकी मंगल की, वह आपकी पड़ेगी यहाँ पर आपके भाग्य स्थान पर। और वहाँ मित्र राशि, चौथी दृष्टि धनु राशि तो बृहस्पति की राशि, तो आपस में उनका मित्रता है, तो भाग्य में ज़बरदस्त आपको उन्नति तरक्की का अवसर यहाँ पर प्राप्त होंगे। और जो भी व्यवधान, जो भी तो आपको बाधाएं तो या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, वह सब दूर हो जाएगा और यहाँ अब आपको तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। और यह जो अवसर आपको मिलेंगे, आप इनका लाभ उठाएं, थोड़ा पुरुषार्थ, थोड़ी मेहनत, थोड़ा प्रयत्न करें, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। आपके पिता का भरपूर आशीर्वाद आपको मिलेगा, तो उनसे आपको फाइनेंशियली लाभ मिल सकता है। आप विदेशों से संबंधित कोई यात्रा करना चाहते हैं, अब तक व्यवधान परेशानियाँ थी वे दूर हो जाएंगी, तो आपकी यात्राएँ सफल होंगी। लंबी दूरी की यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। और धार्मिक स्थान की कोई तो आपको धार्मिक स्थान पर तो जाने की कोई योजना बना रहे हैं, उसमें सफलता मिलेगी, भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद मिलेगा और आपका स्पिरिचुअलिटी का भाव आपका बढ़ेगा, आध्यात्मिकता का भाव आपके अंदर जागेगा और भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। उसके बाद बात करते हैं इनके सप्तम दृष्टि की। वह जो इनकी सप्तम दृष्टि है, वह आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। जो जातक विदेशों संबंध रखते हैं, उनका विदेशों में आना जाना है, तो उनको लाभ बेनिफिट मिलेंगे, नए संबंध, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, तो आपका रुका हुआ धन वापस आएगा। और कोर्ट कचहरी में अगर कोई मुकदमा आपका चल रहा है तो वहाँ भी जीत मिलने की संभावना रहेगी। उसके बाद इनकी अष्टम दृष्टि स्वग्रही अपनी राशि पर, मेष राशि पर पड़ रही है, तो इसलिए आपको जैसे हमने कहा
यहाँ पर आपका शारीरिक और मानसिक संतुलन तो बढ़ेगा, लेकिन आपके अंदर बहुत विश्वास, आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाएगा आपका, आपके कार्य करने की शैली, आपकी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ हो जाएगी, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी निखर कर उभर कर सामने आएगी और आपका पराक्रम बढ़ेगा, लोग आपके पराक्रम का लोहा मानेंगे। तो निश्चित रूप से यह मंगल तो आपको अच्छे शुभ फल प्राप्त करेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चूँकि आपके लाभ भाव से थोड़े अष्टम है तो इसलिए थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ा लाभ में थोड़ी सी रुकावट, अचानक से कोई धन का पैसे का नुकसान या कोई हेल्थ आपकी खराब होने को डिस्टर्ब होना, हॉस्पिटलाइज होना, कोई पैसे का बड़ा नुकसान, आते आते लाभ में रुकावट थोड़ी कमी, ये सारी चीज़ें आपके बड़े भाई बहन या आपके मित्र वर्ग उनसे थोड़ा नुकसान, धोखा, चीटिंग, ये सब हो सकती है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देने की कि आपका आवश्यकता है। ऑल ओवर अगर देखिए तो मेष राशि वाले जातकों के लिए अगर हम खाली मंगल की बात करते हैं तो मंगल का जो ट्रांजिट है, जो राशि परिवर्तन है और उनकी जो दृष्टि है, यह आपको बहुत अच्छे शुभ फलों की प्राप्ति तो यहाँ पर होने वाली है। लेकिन मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है तो आपकी जो जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। तो इसलिए अपनी जन्म कुंडली का भी विश्लेषण करा लें। वहाँ आपकी जन्म कुंडली में अगर किसी भी ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में चल रही है, आपके फेवर में चल रही है, तो निश्चित मानिए हम मंगल का जो ट्रांजिट हो रहा है, उनका राशि परिवर्तन ही आपको बहुत शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा, आप तरक्की उन्नति करेंगे। और आपकी जन्म कुंडली में दशांतर दशा आपके प्रतिकूल है तो थोड़ा तो इनके शुभ फलों में थोड़ी वहाँ पर कमी आ जाएगी, लेकिन फिर भी आपको तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। तो इसलिए एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें। अब बात करते हैं आगे तो आपके वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर जो मंगल का ट्रांजिट हुआ आपके फिफ्थ हाउस में हुआ है तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या होगा कि आपको मेंटली स्ट्रेस बढ़ेगा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, थोड़ी उत्तेजना, डिसीजन लेने की पोजिशन नहीं, मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ाएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ी यहाँ पर दिक्कत आएगी, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन करने में थोड़ी मतलब अपने कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन में कमी आएगी, उनकी एकाग्रता भंग होगी। और कहीं कोर्स करना है, कोई डिग्री करनी, मास्टर डिग्री लेनी है तो वहाँ को प्रयास कर रहे हैं, उसमें थोड़े व्यवधान, थोड़ी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। संतान की तरफ से भी आपकी संतान को हेल्थ का कष्ट हो सकता है, उनके कोई विवाह शादी का संबंध होने जा रहा है तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, संतान के साथ कोई मतभेद, कोई डिफ्रेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। और आपकी संतान की तरक्की उन्नति में तो पढ़ाई में थोड़ी बाधा, यानी संतान की तरफ से थोड़ी चिंता, टेंशन आपको यहाँ पर रह सकती है। उसके बाद जो मंगल की दृष्टि की बात करते हैं, एट हाउस पर पड़ रही है मंगल की दृष्टि, तो यहाँ से थोड़ी गुप्त धन की प्राप्ति आपको तो यहाँ पर हो सकती है। कोई ब्लैक मनी तो आपको ब्लैक मार्केटिंग का काम करते हैं या जुए सट्टे का काम है तो थोड़ा ब्लैक धन की प्राप्ति आपको यहाँ पर हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं इनकी सप्तम दृष्टि की, तो सप्तम दृष्टि इनकी जो पड़ रही है तो वह आपकी सीधी सीधी आपकी सोर्स ऑफ इनकम पर पड़ रही है। यह अच्छी स्थिति है, वहाँ पर उनके मित्र का घर पर दृष्टि है तो अचानक से आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। और सोर्स ऑफ इनकम जो आपको बढ़ेगा यहाँ पर, आपको अगर अब तक तो आपके सोर्स के यानी सोर्स ऑफ इनकम के आपके स्रोत आपके बंद हो गए थे, तो आय के स्रोत आपके बंद हो गए थे तो सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएंगे और बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति आपको होगी। आपके बड़े भाई बहन और आपके मित्र वर्ग खासतौर से एज में जो आपसे बड़े हैं उनसे लाभ सहयोग की पूरी संभावना रहेगी। यहाँ पर आप जबरदस्त लाभ गेन करने वाले हैं, हमारा आपको धन लाभ की यहाँ पर प्राप्ति होगी। उसके बाद इनकी जो अष्टम दृष्टि पड़ रही है वह आपके ट्वेल्थ हाउस पर, जो जातक विदेशों में हैं उनको तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। अगर आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस करते हैं, आप विदेशों से आपका आना जाना रहता है तो आप लंबी यात्राएं करते हैं, वहाँ से भी आपको सक्सेस, आपको सफलता मिलेगी, आपको सक्सेस तो आप वहाँ सक्सेस गेन करेंगे और आपका रुकावा धन वापस आएगा, आपके नए संबंध, आपके नए कॉन्टैक्ट बनेंगे और कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो वहाँ से भी जीत मिलने की संभावना रहेगी। लेकिन कार्य व्यवसाय में अभी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन मत करें, चूँकि मंगल वहाँ से आपके अष्टम है तो अष्टम स्थान में जब कोई ग्रह आते हैं तो थोड़ी तकलीफ देते हैं और वो आपके कार्य व्यवसाय के करियर से, आप कोई नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं तो अभी कोई बहुत बड़ा बदलाव उसमें मत लाएं, तो उसमें कोई चेंजेस तो आप मत लाएं, तो कोई राशि परिवर्तन के तो आप किसी स्थान परिवर्तन के बारे में आप मत सोचें। जो जैसा उसको यथावत वैसे ही रहने दें, उसी में पुरुषार्थ मेहनत करते रहें, यह समय स्थायी नहीं है। आगे फिर ग्रह की दशा चेंज होगी तो स्थिति आपके पक्ष में आएगी, आपके अनुकूल बनेगी, फिर आप लाभ, तरक्की, उन्नति के आपको अवसर मिलेंगे। तो देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्राशि के ऊपर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है, उसकी मेन इंपॉर्टेंस होती है। तो एक बार उसका एनालिसिस करा तो उसका विश्लेषण करा ले। जब दोनों का एनालिसिस होता है तो आपके चंद्राशि के ऊपर जो ग्रह गोचर तो आपके होते हैं कि जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया है, और आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की दशांतर दशा आपकी कैसी चल रही है, जब दोनों का तो आप विश्लेषण करते हैं, उनका एनालिसिस होता है तो आपको शत प्रतिशत परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है, आप तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं, छोटे छोटे उपाय करने से ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आप तो जो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाएं, उस दिन शुद्धता से रहें, बिल्कुल प्योरिटी से रहें और काली चींटियों खिलाड़
तुम कबों खिलाएं और मंगलवार को हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाकर सायंकाल उनकी आरती करें। तो ये उपाय आप करेंगे और एक हनुमान चालीसा का पाठ आप प्रतिदिन करेंगे। प्रतिदिन नहीं करते तो मंगलवार को तो आप जरूर कीजिए बहुत श्रद्धा विश्वास के साथ। तो यहाँ पर जो वृषभ राशि वालों के लिए तो जो मंगल का जो ट्रांजिट है थोड़ी आपको तकलीफ देगा, लेकिन जो उनकी दृष्टि पड़ रही है वहाँ से आपको लाभ बेनिफिट भी आपको मिलेंगे। तो इसलिए तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लेंगे तो 100% रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, उसका आपको मार्गदर्शन होगा, आप लाभान्वित होंगे और छोटे छोटे उपाय करने से तो आप घरों के दुष्प्रभाव से बचेंगे, तो आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।